है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने वाली हूँ काले चने की सब्जी की रेसिपी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बन करके तैयार होती है और ये फटाफट से बन जाती है। इसे मैं कुकर में बनाने वाली हूँ, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने कुकर में 1.5 बड़े चम्मच तेल ऐड किया है। तेल गर्म होते ही इसमें ऐड कर लेते हैं कुछ खड़े मसाले, जिसमें मैंने जीरा, काली मिर्च, सूखी लाल मिर्च और तेज पत्ता और एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का और 2 से 3 लौंग ऐड किया है। ये सारी चीज़ें अच्छे से चटक जाए तब हम इसमें ऐड कर लेंगे प्याज। तो मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज को पहले से ही काट करके रखा हुआ था और 2 हरी मिर्च ऐड करेंगे और थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ अदरक, और साथ ही मैं ऐड कर लेंगे 2 चुटकी हींग और इसे गोल्डन कलर आने तक अच्छे से भून लेना है। अब यहाँ पर प्याज का कलर अच्छा सुनहरा हो गया है, तो इसमें ऐड कर लेते हैं कुटा हुआ लहसुन। तो मैंने 10 से 12 लहसुन की कलियाँ ली थी, जिसे मैंने कूट लिया है। तो इसमें कूट करके ही लहसुन को ऐड करना है और इसका कच्चापन दूर होने तक इसे भून लेना है प्याज के साथ। हल्का सा लहसुन को भूनने के बाद इसमें ऐड कर लेना है टमाटर। तो टमाटर 1 बड़े साइज़ की ऐड करना है, या फिर मीडियम साइज़ की 2 टमाटर ऐड कर सकते हो। और इसे भी प्याज के साथ थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। और अब इसमें ऐड कर लेते हैं चना। तो चने को भिगो करके मैंने रात भर के लिए रखा था और ये भिगोया हुआ 2 कप चना है, जिसे मैंने अच्छे से धो करके साफ़ कर लिया है। और साथ ही में मैंने 10 से 12 छिलके वाली लहसुन की कलियाँ ली हैं, जिसे मैंने अच्छे से धो करके साफ़ कर लिया है। इसको सब्जी में डालने के बाद ना सब्जी का टेस्ट जो है और भी बढ़ जाता है। और साथ ही साथ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लेंगे और इन सारी चीज़ों को 1 मिनट के लिए भून लेना है। अब इन्हें 3 से 4 विसल आने तक पकाना है। तो इसके लिए इसमें 1/2 गिलास पानी ऐड करेंगे ताकि सब्जियाँ जले नहीं और ये सारी चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। तो सब्जियों में जब तक सीटी लग रही है, तब तक हम इधर सूखे मसाले का पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो एक बाउल में मैंने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा किचन किंग मसाला पाउडर ऐड किया है, और इसमें ऐड कर लेंगे थोड़ा सा पानी और इसे अच्छे से मिक्स करके इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो मसाले ऐड करने से पहले इसमें विसल इसलिए लगाना ज़रूरी होता है ताकि प्याज जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। मेन इसमें प्याज को ही सॉफ्ट करना होता है, बाकी चने वगैरह तो बाद में भी सॉफ्ट हो जाएंगे सीटी लगने के बाद। लेकिन मैंने साथ ही साथ चने और टमाटर वगैरह भी ऐड कर दिया था ताकि ये सारी चीज़ें भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। क्योंकि मैंने इसमें पीसे हुए मसाले का यूज नहीं किया है, अगर ऐसा नहीं करेंगे ना तो प्याज अलग और टमाटर अलग और चना अलग, ये सारी चीज़ें अलग अलग हो जाएंगे। और इस तरीके से जब सब्ज़ी बनाएंगे ना तो ये सारी चीज़ें एक जैसे हो जाएंगे, मतलब लटपटे से बनेंगे। तो इसलिए इसमें पहले विसल लगा लीजिएगा, उसके बाद जो सूखे मसाले हैं ना उसका पेस्ट बना करके इसमें ऐड कीजिएगा। अब मसाले ऐड करने के बाद इसमें से तेल रिलीज होने तक इसको अच्छे से भून लीजिएगा। उसके बाद इसमें पानी ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पर 1 गिलास पानी ऐड किया है। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि पानी ऐड करने के बाद भी हमें इसे 3 से 4 विसल आने तक पकाना है। और अब इसमें ऐड कर लेते हैं 1/2 टीस्पून के जितना गरम मसाला पाउडर और इसे मिला करके इसका ढक्कन लगा करके 3 से 4 विसल आने तक पकने दें। तो सब्जी में 4 विसल आ चुके थे, तो मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया था और यहाँ पर मैंने ढक्कन हटा दिया है। आप देख सकते हो सब्जी का कलर और टेक्सचर कितना बढ़िया आया है। तो अब इसमें ऐड कर लेते हैं ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसे एक बाउल में सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ईजी और क्विक वाली रेसिपी है, आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और इसमें आपको कोई मसाले पीसने की ज़रूरत नहीं है या फिर प्याज वगैरह कुछ भी पीसने की ज़रूरत नहीं है, और झटपट से ये कुकर में बन जाने वाली सब्ज़ी है। ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बन करके तैयार होती है, तो मैं क्या ही बताऊँ, आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय।